आंटी, मैं आपसे सच में माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ। अब सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा काजल, तुम्हें मेरे लिए कुछ और करना पड़ेगा। डरो मत बेटा, जाके विनय की कुंडली लेकर आओ। जी आंटी। काजल, ऊपर तुम्हारे कमरे में कुंडली है, लेकर आ जाओ। जी। अक्षय, तुम वहां से अचानक ऐसे क्यों आ गए? क्या हुआ अक्षय, तुम्हारा हाथ कैसे कट गया? चलो इधर आ। नहीं ठीक है। आओ। अरे हाँ, तो नाराज हो मुझसे, मेरी खामोशी से, 5 साल पहले जो हुआ उससे। नाराज नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जानकी आंटी को देख के इतना परेशान क्यों हो गए। 5 साल पहले कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिससे? मतलब तुम मेरी खामोशी को गलत समझती हो ना काजल। कल रात को तुमने ही कहा था ना, कुछ बातों से अनजान रहा जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। फिर बिना तुम्हारा सच जाने मैं तुम्हें गलत कैसे ठहरा सकती हूँ? और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जो इंसान अपना दर्द किसी को बता नहीं सकता, जाहिर नहीं कर सकता, वो अपनों को कैसे चोट पहुंचाएगा। पांच साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानती। मैं तो इस बात से खुश हूं कि नीति और विनय का रिश्ता होने जा रहा है। ये रिश्ता सिर्फ उन दोनों को ही करीब नहीं लाएगा, बल्कि दो परिवारों को फिर से एक कर देगा। अजल, तुम जानती नहीं हो कि 5 साल पहले क्या हुआ था, इसलिए तुम दोबारा सबको एक साथ देखना चाहती हो। कितने बड़े धोखे में जी रही हो ना तुम। अगर ये सच तुम्हें पता चल जाए तो हमारी तो दुनिया ही बिखर जाएगी ना। आखिर ऐसा क्या हुआ था 5 साल पहले जिसे जान के मेरी दुनिया ही बिखर जाएगी? और जान की आंटी के रिश्ते के लिए हाँ करने के बावजूद भी अक्षय और जानकी आंटी कोई राज छुपा रहे हैं जो रौनक सर को भी नहीं पता। अब मुझे इस राज पर से पर्दा उठाना ही होगा। अपने घर को बचाने के डर में मैं अक्षय की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकती, इसलिए अब इस राज को बाहर लाना ही होगा। अरे भांजे, क्या हो गया, सिर पकड़ के बैठा है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं मामा जी, सुबह से सर में दर्द है, शायद रात की नींद पूरी नहीं हुई। अरे रौनक बेटा, अब तुम्हारा सर का दर्द चुटकियों में दूर हो जाएगा। मेरी मुनमुन जो आ गई, उसके हाथों में सच में जादू है। ऐसा बाम लगाती है कि सारा दर्द भाग जाता है। अब मुझे सुबह सुबह उठाकर स्टूपिड सा ड्रेस पहनाकर यहाँ सर्कस में ले आई है, और मुझे बाम भी लगाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, देखो कल ही फ्रेंच मैनिक्योर करा, अब सब खराब हो जाएगा। चुप कर। अब बेटा बाम उस ड्रॉअर में होगा। इट्स ओके आंटी, अब मैं ठीक हूँ, मेरा सर दर्द अब बेटर है।
अरे वाह, इस बार तो मेरे मुनमुन के बिना छुए तुम्हारा कदर ठीक हो गया रहने बेटा। कितनी गुनी है मेरी मुनमुन, वैसे भी इसके कदम जहाँ पड़ते हैं ना वह सारे दर्द गायब हो जाते। छोड़ो ये सब, जान की दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई है क्या? आंटी माँ इंदौर गई है, नीति और विनय की शादी की बात तय कर। क्या, नीति और विनय की शादी? लीजिए ना, इतने सालों की दूरी क्या हो गई? तुम तो हमारी आदत ही भूल गई राधिका। तुम्हें पता है ना मैं तली हुई चीजें नहीं खाती। मैं कुछ और लेकर आती। नहीं नहीं कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम साक्षी है ना? हाँ, साक्षी गुड़िया का नाम है पायल। पर मेरी साक्षी गुड़िया सबसे प्यारी है। कब से तुम्हें देखने की इच्छा थी मन में, किसी की नजर ना लगे तुझे बेटा। मैं अपनी गुड़िया को लेके आती हूँ। ठीक। राधिका, अब साक्षी की तबीयत कैसी रहती है? ज्यादा बीमार तो नहीं रहती ना? चेकअप टाइम पर होता है कि नहीं? जी। आप लोगों ने तो मुंह फेर लिया था भाई साहब, पर हमारा दिल ठहरा मौन। कभी एक पल के लिए आप लोगों को अपने से दूर नहीं माना मैंने। जब साक्षी पैदा हुई थी तब भी मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाया था मैंने, और ये सोच लिया था कि जब भी साक्षी को देखूंगी तो उसे चांदी के पायल पहनाऊंगी। पर अफसोस, अक्षय ने जो भी किया हमारे साथ। खैर छोड़ो, पुराने जख्मों पे नाखून फिराने से दर्द ही होगा, पर अब नीति और विनय का रिश्ता जुड़ने से हमारे परिवार फिर से जुड़ जाएंगे। मुझे मेरी बहन जैसी राधिका वापस मिल जाएगी। बहन जी, हमें सच में नहीं पता कि 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था। अगर आप हमें बता दे तो हम रौनक बाबा से माफी मांगकर हमारे बेटे के पापों का प्रायश्चित कर लें। अरे भाई साहब, अब बीते कल के दरवाजे पर किस बात की दस्तक दे, वो तो गुजर गए, अब नए यादें बनाएंगे और खुशियां भी। लीजिए, काजल भी आ गई। दो बेटा, कुंडली दे दो। अब घर चले बेटा। देखो तो कितनी जल्दी भाभी और ननंद में रिश्ता जुड़ गया है। आंखों आंखों में इशारे और मन की बातें बांटी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है अब मेरी बेटी रही नहीं। दीदी, मैं आपके भरोसे जा रही हूँ। मैं भोपाल में आपका वेट करूंगी, जल्दी आइएगा। हाँ, फिक्र मत करो नीति, अब कुछ गलत नहीं होगा और ना ही मैं कुछ गलत होने दूंगी। अपना ख्याल रखना। कि आप भी। Thank you.
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।